भाई मैंने क्रेटा क्यों ली थी। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो अदर ब्रांड्स नहीं दे रही। इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है जो अदर सेगमेंट में नहीं मिलता है और इसको सबसे अलग बना देती है। Hey guys, welcome back to the channel. So guys, मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था कि भाई मैंने क्रेटा क्यों ली थी, क्या वजह से ली थी, कितनी सारी चीजें उसमें खूबियां हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए थे कि भाई ऐसा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्रेटा आज भी इस सेगमेंट में अभी तक क्यों बेस्ट है। तो कैसे एक पाठक अंकल जी का हमारे पास कमेंट आता है जो कि बोलते हैं ब्रांड विटारा का कर्व वेट ज्यादा है क्रेटा से। अंकल जी थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, आपको पता चल जाएगा कि जगत में हो क्या रहा है। अंकल जी जज्बात और हालात चेंज हो गए क्रेटा 2024 के मॉडल से। अब आपको क्रेटा 2024 के फेस लिफ्ट में मिलता है 1300 केजी के अराउंड वेट, और जहां बात करें ग्रैंड विटारा की वहां आज भी है 1100 to 1200। तो वेट की तो बात यहां नहीं करें तो ही अच्छा होगा। इस हमारे पास एक और कमेंट आता है जिसमें भाई बोलते हैं भाई इसमें एलईडी लाइट नहीं है, पुश स्टार्ट बटन नहीं है, तो कहा कि वैल्यू फॉर मनी है। भाई वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि है वैल्यू फॉर मनी। आपको बेस मॉडल में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो अदर ब्रांड्स नहीं दे रही है, इसलिए इसको बोला जाता है वैल्यू फॉर मनी। भाई आप गाड़ी लेना चाह रहे हो और 12 से 13 लाख पेट्रोल वर्जन लेना चाह रहे हो, बेसिकली पेट्रोल वर्जन की बात हो रही है यहाँ पर, पेट्रोल वर्जन लेना चाह रहे हो, भाई आपका बजट इतना टाइट है कि अपन बिग सेगमेंट में नहीं जा सकते, तो भाई इस सेगमेंट में आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले मेरी तो प्रायोरिटी तो ये थी भाई सेफ्टी और स्टेबिलिटी, वो चीज़ मुझे हुंडई के साथ मिल रही थी इसलिए मैंने ले ली ये गाड़ी क्योंकि है इस गाड़ी में। तो कहीं बात करते हैं इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है जो अदर सेगमेंट में नहीं मिलता है और इसको सबसे अलग बना देती है ये गाड़ी। किस वेरिएंट में आप अपने हैंडल को ऊपर, ये देखो ये मैंने आप बाहर खींचा टेलीस्कोपिक ऊपर नीचे कहाँ मिल रहा है भाई। बेस मॉडल में मुझे बता दो, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, है ऑप्शन। सो गाइस अब बात करें इसके इंजन की, भाई मैंने इसको हाईवे पे बहुत दौड़ाया चलाया, मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुई पावर की। ऑल दो अगर आप डीजल की गाड़ी से स्विच करते हो पेट्रोल की तरफ तो आपको पावर की कमी महसूस होगी क्योंकि जो 100 की जो ट्रेवल टाइम होता है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू डीजल। अगर डीजल वाला पंच देख रहे हो तो आपको टर्बो इंजन की तरफ जाना चाहिए जो पेट्रोल में आता है। अगर इस वाले इंजन की बात करो के बाद मैंने कंटिन्यूसली क्रूजिंग करी है, मुझे कहीं भी पावर की महसूस नहीं हुई। मैंने 5 तो को बिठा रखा था, साथ में लगेज भी था, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई क्रेटा ही क्यों, क्रेटा ही क्यों, मतलब क्रेटा का ऐसा क्या क्रेज है भाई क्रेटा ही ले ली तुमने भाई। लेकिन अगर आप क्रेटा ने एक बार चला ली ना, आप दूसरी गाड़ी में ब्रांड पे जाओगे ही नहीं। आप बैक टू बैक अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, अभी प्लान कर रहे हो गाड़ी खरीदने का, 12 से 13 लाख का बजट है, एक बार जाओ शोरूम पे जाओ ये गाड़ी चलाओ, उसके बाद दूसरी गाड़ी चला के देखना इसी सेगमेंट, आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है और क्या इस गाड़ी में है जो सब लोग क्रेजी है इस गाड़ी के लिए। और मैं भी इस गाड़ी के लिए क्रेजी हो गया जब मैंने इसको ड्राइव किया। और सारे लोग ये भी बोलते हैं इस गाड़ी से अच्छी ब्रेजा है। सो गाइस अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी नहीं है तो आप ब्रीजा की तरफ जा सकते हैं, और आप सिर्फ सिटी में चलाते हो 70 to 80 की स्पीड में और थोड़ा आसपास चले गए तो हाँ भाई ब्रीजा थोड़ी सस्ती पड़ जाती है आपको, उसका माइलेज थोड़ा सा अच्छा है, साथ में उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आपको चाहिए भाई ड्राइव करना, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर हाईवे पे जा रहे हो 120-130 चला रहे हो कोई दिक्कत महसूस नहीं करनी तो भाई क्रेटा की तरफ जा सकते हो, नो डाउट ब्रेजा से बहुत ज्यादा अच्छी है। जब आप ये गाड़ी लेने जाते हो बहुत सारे लोग आपको सेल वाले ये बोलेंगे कि भाई आपको 50 से 60 हजार की एसेसरी तो लेनी पड़ेगी जब भी आपको जल्दी मिलेगी गाड़ी, लेकिन गाइस मैंने बहुत कम एसेसरीज ली। मेरी बात मानो, आपका डीलर जो है वो अच्छा है ना बंदा, आपको 1.5 से 2 हफ्ते में गाड़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एसेसरी की बात करें तो मैंने बहुत मिनिमम एसेसरी लगवाई थी, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये मैं लगवाया था, मैंने प्रोटेक्शन हेडलाइट का थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए लगवा लिया, उसके साथ मैंने लगवाई 3D मैट जो कि ऐसी दिखती, उसके साथ फिर मैंने लगवाई थी, मैंने अंदर भी 3D मैट लगवाई थी, लेकिन आप जाओगे ना शोरूम वाले आपको दूसरी नॉर्मल वाली मैट लगा देते हैं तो वो देख लेना, ये वाली लगवा सही और सब पार्शियल ट्रे। तो गाइस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो जाके जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एवरेज टेस्ट करेंगे कि एवरेज कितना देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।